Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif. And in today's video we are going to solve class 7 computer homework. देखेंगे हम लोग तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब का बटन बना हुआ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेवल द टूल्स ऑफ JIMPN. तो ये आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना, कॉपी के वाइट पेज पे या रूल पेज पे भी अगर आप चाहो तो करो, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे सारा लेबल किया हुआ है टूल, सब रोटेट एंड इमेज टूल, अलाइनमेंट टूल, फ्लिप टूल, पेंट ब्रश टूल, ब्लर और शार्पन टूल, शेयर टूल, पर्सपेक्टिव टूल, ब्लेंड टूल, डॉज या बर्न टूल, स्मश टूल. ये पहला आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग. व्हाट इज फ्लिपिंग इन JIMPN? राइट स्टेप टू फ्लिप एन इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. फ्लिपिंग एन इमेज मीन्स गेटिंग मिरर इमेज. फ्लिपिंग का मतलब होता है हम लोग इमेज का मिरर इमेज है, जैसे मिरर में दिखते हैं. वी कैन फ्लिप द इमेज, हम लोग हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप कर सकते हैं और वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं. उसके लिए कौन सा टूल हम लोग को यूज़ करना होगा? फ्लिप टूल, ठीक है ना. हम लोग कौन सा टूल यूज़ करेंगे? फ्लिप टूल. एंड स्टेप्स टू फ्लिप एन इमेज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आर स्टेप्स, जैसा पूछा गया क्वेश्चन में. तो इसके लिए सेलेक्ट द फ्लिप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स भी कर सकते हैं. एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है बुक में, टूल्स में जाकर ट्रांसफॉर्म टूल्स, फ्लिप में भी जा सकते हैं. दिया हुआ है ये दो ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं. दूसरा है सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रॉम फ्लिप टाइप फ्रॉम फ्लिप टूल ऑप्शन, फिर इमेज पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा इमेज क्या हो जाएगा? फ्लिप कर देगा, मिरर इमेज आ जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन? दिया हुआ है राइट स्टेप टू रोटेट एन इमेज और सेलेक्टेड पार्ट ऑफ इमेज. अब इमेज को रोटेट करना और रोटेशन क्या होता है ना? तो रोटेशन का मतलब क्या होता है इसको, ये तो रोटेट टूल मैंने लिख दिया. रोटेशन अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं. रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन मीन्स the act or process of moving around a central point. ये क्वेश्चन में यहाँ पे रोटेट टूल दिया हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है. तो रोटेशन भी मैंने बता दिया है और यहाँ रोटेट टूल के बारे में भी लिख सकते हैं आप. क्या होता है रोटेट टूल? रोटेट टूल इज़ यूज टू रोटेट एन इमेज. अगर किसी इमेज को आपको रोटेट करना है तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करोगे आप? रोटेट टूल. और पार्ट ऑफ द इमेज को भी रिमूव करना, कुछ पार्ट जो है अगर इमेज का उसको रिमूव, उसको रोटेट करना है, इफ़ यू वांट टू रोटेट, तो उसके लिए भी हम लोग रोटेट टूल का यूज़ करेंगे. स्टेप्स क्या है इसमें? सबसे पहले इमेज को ओपन करना, ओपन द इमेज, देन सेलेक्ट द रोटेट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स है. या एक और ऑप्शन भी है, टूल्स में जाकर ट्रांसफॉर्म टूल्स, रोटेट, जैसे यहाँ फ्लिप वाले में दिया हुआ था, इस तरह से भी कर सकते हैं. यहाँ पर रोटेट पर चले जाना है आपको, इस जगह फ्लिप की जगह पर. देन ए ग्रिड अपीयर्स ऑन द इमेज, इमेज पे एक ग्रिड आपको दिखेगा और फिर वी हैव टू क्लिक, वी कैन क्लिक एंड ड्रैग टू रोटेट, पे क्लिक करना और ड्रैग करना रोटेट के रोटेशन के लिए. देन क्लिक रोटेट इन द रोटेट डायलॉग बॉक्स. इन दिस वे वी कैन रोटेट एन इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज. तो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ क्लास 7 कंप्यूटर होमवर्क. 3 क्वेश्चन है, इसको आप लुक कर लें. आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.